अब मैं जिस नाम को अनाउंस करने जा रहा हूं, जिस नाम को मैं अपनी जुबान पर लाने जा रहा हूं, हमसर भाई महफिल से जो उठ चले हो, दामन को झाड़कर आते रहेंगे हम भी गिरेबान फाड़कर। और दिल वो नगर है जो बसाया न जाएगा, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़कर। मैं अदना सा एक नौकर हूं और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने उनको सुना है जिन्हें सुन सुन के मेरा बचपना आदरणीय पूजनीय है। विनायक जी, मैं हुजूर विनायक जी, मैं मुझे गाना नहीं आता, सच में नहीं आता, अभी सीख रहा हूँ। जीतू भाई बैठे हैं, जीतू गाबा भाई, हम हमारे बंसी जी बैठे हैं। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी निकलना है, मुझे कल जयपुर में प्रोग्राम है, तो मैं ललित भाई का हुक्म बजा रहा हूँ। मैं बंस और मेरे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई है मुझे, मेरे उस्तादों ने, मेरे दादा मुजफ्फर खान साहब कहते थे कि बेटा कभी भी जाना तो बड़ों के ऊपर मत गाना, वरना तुम्हारा गाना बजाना सब खत्म हो जाएगा। तो उस रस्म को आज भी हम कायम रखते हैं। गाना बजाना अदब का है। बस मैं सिर्फ माफ़ी के साथ, गुस्ताखी की माफ़ी, मैं पुराने नहीं, मैं बच्चा हूँ आपका, आपके बच्चों को भी बच्चा हूँ, मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहूँगा बहुत बहुत। बंसी भाई से भी गुजारिश मैं किसे करूँगा कि सिर्फ दो बोल सुना दो, उसके बाद बड़ी मेहरबानी, सिर्फ दो बोल, मेरी महामाई के दरबार में हाजिरी हो जाएगी। और मैं चाहूँगा सर आप तशरीफ रखें सामने, ललित भाई सिर्फ दो बोल, दो बोल सिर्फ, सर आप बैठे तशरीफ रखें, ललित भाई बैठो, अरे सर आज के लिए, आज के लिए सर आप तशरीफ रखें प्लीज, दो दो चलिए जी। हाँ जी, एक राधा एक मीरा, सर आप जो भी रख लें, जीतू भाई हम तो आपके पीछे हैं सर, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे। इजाजत सभी लोगों से, बंसी भैया माफी चाहूंगा मुझे जाना है, वरना मैं आपके जी जी तशरीफ लाएं, जगह दीजिए जरा, आइए सर आप तशरीफ रख लें, अरे कुछ भी रख ले जी तुम्हें। एक राधा मेरे उस्ताद वालिद मोहतरम सिकंदराबाद दिल्ली घराना, जिनसे मैंने सीखा और मैंने बंसी जी से भी बहुत कुछ सीखा है। उम्र गुजर जाती है ताल्लुकात बनाने में, लेकिन अदब से उरूज मिलता है। अथर भाई मेरे छोटे भाई, एक राधा एक मीरा दे देना था भाई को, बदल भाई मैं भी तिहारे
चलूंगी। शाम कले के रंग चलूंगी, रुक जा है हवा। तो भाई दराओ थम जा बहार। बोलो रुक जा ए हवा। ये मेरी जोड़ी है। थम जा मेरा मलवा। बंसी भैया विनायक जी कुसूर इत डोले खाता है क्यों ये हिचकोले मुझको अपने साथ ले जा। शाम मेरे नाथ ले जा रुकी जा एक राधा प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक राधा प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी।
हमारे ललित भाई 16 साल के बाद मुलाकात हो रही है जी। जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सब के कदमों की खाक भी नहीं हूं, लेकिन कभी अगर मेरा ध्यान आए तो खाक उला देना, मैं कहीं ना कहीं किसी की आंखों में आ जाऊंगा। तो जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि ये महामाई का दरबार है, मैं हाजिरी बतौर गा रहा हूं। सभी लोग अगर बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज बैठ जाए, मैं भी बैठूंगा, जरा से बैठ के गाए बड़ा आनंद आएगा। तशरीफ रखें। राधा ने राधा मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। मीरा ने मन में पाया, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में मन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। दादा मन में पाया, दादा मन में पाया। दादा दादा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मधुबन में पाया। राधा ने मधुबन राधा जी से खो बैठी वो मोहन, मीरा हृदय समाया। एक मुरली एक पायल, मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, एक पगली बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में, अंतर क्या दोनों की प्रीत में, अंतर अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा, तो दोनों शराब को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी दरस निहारा।
सहारा हेलो 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 सावल मोर मोहारा मोहारा सावल मोर मोहारा ततिरोर में पा tiro ro ये कुछ राग का फैलावा है। जीतू भाई ऐसी शख्सियत बैठे हैं, न जाने कितनों को निपटा दिया, अनगिनत। जीतू भाई से मेरा ताल्लुक आपका नहीं है, तकरीबन 28 साल पुराना है। मैंने एक जिंगल किया था आपके साथ, वो जिंगल किसी कारण आ नहीं सका जी। और उसके बाद हमने पहला किया था सजदा राग मारवे में। हाँ विजी भाई जीतू भाई रो रो गाना बजाना तैयारी का नहीं, सुर साथ का है। और गाना बजाना गुरूर का नहीं सुरूर का है, क्योंकि जहां सुरूर होता है वहां गुरूर नहीं होता, जहां गुरूर होता है वहां सुरूर नहीं होता। हे बैठे हैं उस्ताद लोग। गोरे 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 करे जाते आ गा 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 ना ना गोरे 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 करे जाते आ बादर वा छाए चमकत बिजली बारिश से में आ छना ना छना ना छना छना गोरे 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 करे जाते आ आई ऋतु भरी का बसंत मनावे आई ऋतु भरी का बसंत मनावे। अली भाई अब्बास भाई इनको पता है हमारे घराने के बारे में, ये जानते हैं मैं उस्ताद तांद्रा खासा का नवासा हूँ, जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, वो रे मेरे सगे नाना थे। और मुझे जो भी साईं ने दिया है, मुझे आज भी चंचल जी की वो दुआ याद है जो उन्होंने कहा था कि हम सर तेरा नाम जो हयात है वही तेरी जात है। थोड़ी सी बुजुर्गों की स्थाई है। हाँ जी ये तो भाई। हाँ जी घोरे 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 करे जाते घोरे 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 करे जाते बादर वा छाए चमकत बिजली बारिश से में आ छना ना छना ना छना ना 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 घोरे घोरे करे जत घोरे घोरे करे जत घोरे घोरे करे जत आई ऋतु भर का बसंत मनाओ आई ऋतु भर का बसंत मनाओ छना ना छना ना गोरे 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 करे जत आ 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 गोरे गोरे करे जत आ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी उस्ताद की, तो माफ कीजिएगा दिलीप भाई। थैंक यू।
ललित भाई की फरमाइश, मैंने गाया था एक बच्ची की शादी में, तो आज हमारी भतीजी की शादी का दिन है मानसी, क्योंकि भगवान ने मुझे भी बड़ी प्यारी सी बेटी दी है। अभी विनय जी हमारे आदरणीय उगा रहे थे तो सडनली मेरी आंख में आंसू आ गए। भगवान हर किसी को ये रूप दिखाए, हर माँ बाप अपनी बच्ची को उसके सही मकाम तक पहुँचाए जी। अरे शंकर भाई और जी, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूँगा उसके बाद जा चाहूँगा। मेरे पे साईं जी का बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। मैं पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ, आगे भी कुछ नहीं रहूँगा। और मेरे छोटे भाई मदर भाई अथर भाई शहजाद भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको मैं लाया था, चलो तुम भी चलो देखो। तो सुना दूँ ललित भाई सर? थैंक यू। अभी चंद दिन पहले जब मुलाकात हुई, वैसे तो मुलाकात फोन पे होती है, कहते हैं और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, चले तो आए हैं बातों ही बातों में। बिल्कुल। तो मैं भाई साहब से इनके निवास स्थान पे अमीर खाने पे दौलत खाने पे गया, और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि लगभग एक फोन जो बाहर से आया था, और ये भाई साहब खान साहब हमारे हया साहब बैठे थे वहाँ पर घर पे, एक राधा एक मीरा मुझे लगभग 40 मिनट तक मैंने सुना। और उसके बाद एक फ़ोन अहमदाबाद से आया, वो कॉल ऑनलाइन कॉल पे लगभग 1.5 घंटा संगीत चला सुना, जो मैं 5 मिनट के लिए गया था, लगभग रिकॉर्डिंग थी, 2.5 घंटे हमें लग गए। तो देखिए कलाकार हम सभी हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, मैं यही चाहता हूँ कि कलाकार कलाकार की इज्जत करे, कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, और किसी कलाकार को किसी भी बंधन में रिश्ते में धर्म में ना बांटे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके घर पे एक राधा एक मीरा ना हो रही होती, वहां तो कवाली चल रही होती, वहां शुरुआत ही इससे थी। और जब मिले जय माता की, ये 16 साल बाद भी मिले, अगर होता आर्टिफिशियल होता तो कुछ और चल रहा होता, मगर देखिए कोई भी कलाकार, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे, क्रिकेट में देखेंगे कि अभी मोहम्मद शमी की किसी बात पे किसी ने कहा कि जानबूझ के ऐसा हुआ, पूरी टीम ने उसकी आलोचना करी कि आप गलत कह रहे हैं, ये क्रिकेट है। जब क्रिकेट में गलत शॉट लग सकता है, गलत बॉल पड़ सकती है, यहाँ स्वर गलत लग सकते हैं, बोलते हुए हम बोल रहे हैं कई बार कुछ बातें गलत हो जाती हैं, मगर उसका बचाव किसने करना है? हमारे पंत ने करना है, हमारे संगीत ने करना है। अगर हम एक टॉपिक लेकर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे किसी के लिए कुछ भी कहें, ये सोचें कि पता नहीं उसने किस हालात में क्या बोला होगा, क्योंकि पार्टियों के पास प्रवक्ता होते हैं, कलाकारों के पास कुछ नहीं होता। तो देखिए मैं तो बहुत छोटा सा आपका परिवार से, मैं हमारे बीच में हमारे गुरुजी श्री हरबंस लाल बंसी जी बैठे, इनका करम है कि इन्होंने इस गरीब नवाज को इतना नवाजा है। सभी, अगर मैं नाम गिनूंगा, हमारे प्रकाश जयपुरी जी बैठे हैं, किशन बिजली भाई बैठे हैं, पप्पू रोड़ा जी बैठे हैं, दिलीप चोपड़ा जी, संजय भूटानी जी, पप्पू जी जागण वाले, प्रेम जी, इतने नाम, ये हमारे बड़े भैया, ये हमारे बड़े भाई साहब के मित्र हैं दीपक प्रिंस पिंकी जी के, और देखिए ये इनकी जितनी मैं बड़ाई करूं उतनी कम है कि एक मिनट की फुर्सत नहीं है रिकॉर्डिंग और स्टूडियो से। और जहां तक है, आज अगर हमारी बहन जी नहीं आ सकी तो हमारे भैया आ गए, और जब 2011 में जागरण था तो भाई साहब इंडिया से बाहर थे तो बहन जी आई थी, और रिसेप्शन पे भाई साहब आए थे। तो देखिए एक बार जोरदार ताली हमारे जीतू भाई के लिए। कहते हैं ये बात अलग है कि खामोश रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। तो देखिए आपको दूंगा आप सारा कुछ ले लोगे। तो देखिए मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं कि आज के बाद कोई भी कलाकार किसी कलाकार की हम आपस में लड़े अंदर, मगर किसी भी मीडिया में
हम एक दूसरे की किसी भी बात पर कोई आलोचना ना करें, क्योंकि हम भक्ति से बढ़े हुए हैं, लोगों की निगाह हम पर रहती है। अगर हम एक दूसरे की किसी भी गलती पर, कोई साईं का नाम ले रहा है, कोई खाटू श्याम का ले रहा है, कोई माता रानी का ले रहा है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी घराने का हो, हम लड़ेंगे तो घर में लड़ेंगे, मगर कोई भी ऑनलाइन किसी की वो नहीं करेगा। और जब ही हम सब, हमें संसार में लोग देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। मुझे भी लगभग 1994 मैंने ऑर्केस्ट्रा छोड़ा, 94 में इसी संगीत ने मुझे कहाँ तक नवाजा है। ये आपकी जर्रा नवाजी है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। तो देखिए, मैं बड़ा धन्यवादी हूँ आप सभी का कि आप सभी यहाँ विराजमान हैं। और ये जो शाम है, ये रात है, ये आप ये समझ लीजिए कि हम सबके लिए इतनी भाग्यशाली है, क्योंकि जिस दिल से आप आए हैं, इसे कहते हैं सच्चे प्यार से। कहते हैं बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं। जितने भी बैठे हैं, कलाकार बहुत परेशान होता है। कहते हैं बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं, कमाल हूं मैं। तो कलाकार घर से कितना भी परेशान हो, जब प्रोग्राम पे जाता है तो वो जय कहिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे हमसर भाई से कि अपनी संगीत की छाप और अपनी प्यार की छाप हमारे पे छोड़ के। प्रकाश भाई, हमारे प्रकाश भाई का जब जिक्र आया तो आप यकीन करें, इतनी हसीन हस्ती हैं अल्लाह ने इनको, भगवान ने, ईश्वर ने वो आवाज़ बख्शी है, न जाने कितने फनकार इनको सुन सुन के जवान हो गए। तो मैं चाहूँगा इनके जोर तालियां बजाएं हमारे बड़े भाई के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारे ललित भाई ने एक बात कही, तो मेरे उस्ताद, मेरे वालिद मोहतरम एक बात कहते थे कि फनकार अपने फन पर जो मगरूर हो गया, फनकार अपने फन पर जो मगरूर हो गया, उस्ताद की दुआ से बहुत दूर हो गया। फनकार अपने फन पर जो मगरूर हो गया, उस्ताद की दुआ से बहुत दूर हो गया। उस्ताद जितने थे वो तो पर्दे में छुप गए, जो कुछ नहीं था दुनिया में मशहूर हो गया। तो ये, और जैसे कि अभी ललित भाई ने कहा, तो मुख्तसर वक्त, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मेरा जो एक भजन है जो लोगों ने सुना भी है साईं का, और मैं साईं को जब गाता हूँ तो साईं को गाता हूँ मैं पब्लिक को नहीं गाता, क्योंकि पब्लिक आज मेरी है कल तेरी है। साईं तो हमेशा तेरा था और तेरा रहेगा। बोल साईंनाथ महाराज की जय। तो ये तजुर्बा है थोड़ा, तो दीवाना तेरा आया कौन को सुनना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और जैसे भी आपने कहा कि कंट्रोवर्सी, एक्चुअली आज के दौर में ललित भाई, पहले काम से नाम होता था, आजकल बदनाम करके नाम होता है। तो दौर है आज का, चलता है, कोई बात नहीं। इरादे क्यों बनाते जो बन के टूट जाते हैं। इरादे क्यों बनाते हो जो बन के टूट जाते हैं। प्रकाश भाई, जीतू भाई, मंसी भैया, हुजूर, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है। खुद से, मैं तो उस लाइन में बाबा की वजह से आ गया, वरना मेरी ये लाइन है ही नहीं। मैं तो सूफी कव्वाल हूं, मुझे तो बाबा ने बुला लिया कि आजा यार, तेरी जरूरत है, आजा। तो मैं आ गया। अब मैंने औरों को दे दिया, जाओ एंजॉय करो। इरादे क्यों बनाते जो बन के टूट जाते हैं। इरादे क्यों
बनके टूट जाते हैं। रुके रुके से बदम रुके बार बार चले करार दिल में लिए हो के बे करार चले खिजाना कभी दीवाना तेरा किस किस को याद है हाथों पर करेंगे। ये तो कुछ लोगों ने माहौल बना रखा है, भगवान अल्लाह उनको माता रानी उनको समझ दे। पैसा कमाना बहुत आसान है, इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल काम है। के दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, 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 दीवाना तेरा नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया। दोनों हाथ पकड़ेंगे, ये दो हाथ लड़ने के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए, रोटी पकाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। दोनों हाथ पर क्या बात है यार। अरे नजराना दिल कलाया। अच्छा ये वही बच्चे हैं जिनके मुंडन में आया था। वाह भाई वाह। अब बेटा तुम्हारे पूरे बालक अब आया हूं। नजराना दिल कलाया बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में, दिल मुझको मेट का बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी, दिल मुझको मेट बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। बहुत दूर से आया हूँ मैं, बहुत दूर से खाली खाली लाया हूँ मैं, खाली लाया हूँ मैं। अरे बाबा मेरी आस न तोड़ो, बाबा मेरी आस न तोड़ो, मुझ निर्धन से मुंह को न मोड़ो, निर्धन से मुंह को न मोड़ो। मैंने तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है, अपने दिल को थाम लिया है, दिल को थाम लिया है, करूं नौकरी तेरे दर की, करूं नौकरी सबसे अच्छी मेरी चाकरी, सबसे अच्छी मेरी चाकरी, हर दम तेरे पास रहूंगा, तेरे पास रहूंगा, बनके तेरा दास रहूंगा, तेरा दास रहूंगा। अरे तेरे जैसा कौन धनी है, तेरे जैसा कौन धनी है, तेरे दर पे नहीं कमी है, नहीं करी है। जो माँ का जयकारा लगाए, माँ का जयकारा लगाए, वो रस्ते में गिर नहीं पाए, गिर नहीं पाए। माँ कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, माँ को अपने दिल में बसा ले, माँ को अपने दिल में बसा ले। माँ है ऐसी पालनहारा, जेसो को तूने तारा, जेसो को तूने तारा, कोई ना हमको जान सका था, कोई ना हमको जान सका था, बात ना मेरी मान सका था, बात ना मेरी मान सका था। माने वो तालीम अदा की, माने वो तालीम अदा की, मुझ दुखियन की झोली भर दी, दुखियन की झोली भर दी, मिल मुझको मेरे बाबा भर दी।
को मेरे पापा भरनी तुम्हें पड़ेगी। चोली में खाली लाया बाबा, चोली में खाली लाया बाबा, तेरी शिरडी आखिरी शेर मुझे बड़ा पसंद है। ये शेर मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम उनका लिखा हुआ कलाम उन्होंने कंपोज किया चारू कैसी में। प्रकाश भाई जानते मेरे वालिद को अच्छी तरह, ज्योति भाई भी, इन्होंने देखा है मेरे वालिद को मरतबा। जी जीतू भाई ने तो बहुत अच्छी तरह देखा है। हाँ जी यूं तो हजार हसी मैंने हसी मैंने दिल ने सुकून पाया रे बाबा, सुकून पाया बाबा तेरी शिरडी में, सुकून पाया। ज्योति भाई मैंने कोशिश की थी उसमें कुछ, मेरे बड़े प्यारे हसीन फनकार वाकई बहुत हसीन फनकार है तो मुझे वो फनकार बहुत पसंद है दिल से, उनका वो गाना मुझे बड़ा पसंद था तो मैंने उसको बाबा की तरफ कोशिश करी। सारा सारा दिन सारा सारा दिन साईं धुन बे अपना गुजारा यारा, सारा सारा दिल साईं फुल बे अपना गुजारा। अरे दुनिया 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 शीशु झुका दी है, दिल मैंने वारा, दिल मैंने वारा, तू मेरा सहारा। आखिर मैं मेरे छोटे भाई अतर भाई से कहूंगा कि एक शेर बिल्कुल नया जो आपने अभी तक किसी ने सुना नहीं होगा, मैं चाहूंगा अतर भाई क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी की बुराई नहीं की, ये वो लोग हैं जिन्होंने तो ऐसे उसको निभा लिया ये हमने देखा है। हाँ सभी गुरीजन बैठे हैं, मेरी औकात नहीं है आपके सामने कुछ बोलने की, लब हिलाने की भी औकात नहीं है, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश कर रहा हूँ, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। हमारी माता बहनें बैठी हैं, सभी बैठे हैं। कि अब तो अच्छी बात पर भी दाद नहीं मिलती, अब तो अच्छी बात पर भी दाद नहीं मिलती, नहीं मिलती। दीवारें तो मिल जाती हैं बुनियाद नहीं मिलती, नहीं मिलती। अच्छे माँ बाप तो हर किसी को मिल जाते हैं, शेर सुनिएगा। अच्छे माँ बाप तो हर किसी को मिल जाते हैं, मगर हर माँ बाप को अच्छी औलाद नहीं मिलती। क्या बात है, जीते रहो बेटा। मैंने कभी नहीं बेटा, इसलिए मैं बेटा कहता हूं कि भाई को बेटा कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए, कहीं बेटे को गुरूर ना हो जाए
ये मेरे वो स्तंभ हैं जिन्होंने मेरी बुनियाद को आज भी संभाल कर रखा है। बंसी जी, पापा जी, ये वो नाम है प्रकाश भाई, ये वो नाम है कि जिनके नाम से कान मत पकड़ो, जिनके नाम से रूह को पकड़ो, कान अपने आप हाथ में आ जाएंगे। क्या बात, गाना बजाना अदब का है, जब तक झुकेगा नहीं परवान चढ़ेगा नहीं, चाहे कितनी बाबतें मार ले। ना ना ना, एक शेर कह रहा हूं, मैंने माना तू जिद पे अड़ा है, मैंने माना तू जिद पे अड़ा है, मैंने माना तू कदमे बड़ा है, मैंने माना तू कदमे बड़ा है, लेकिन याद रखना पांव मेरे हैं और तू खड़ा है। आखिरी शेर, हाँ जी, ये मेरे फादर का कलाम है। काफी लोगों ने इतराज किया, हम सर अल्लाह अल्लाह करता है, तो मेरे भाई इससे पहले भी मैं अल्लाह अल्लाह करता था, तब कहां थे तुम जब तुम्हें स्टेज चाहिए था? अब स्टेज मिल गया तो इतराज होना शुरू हो गया है? उस टाइम कहते थे हम सर जी, हाँ जी, आखिरी शेर, हाँ ना हया तू भूल पाया तेरी शिरडी का वो मंजर, तू भूल पाया तेरी शिरडी का वो मंजर, भगवान नजर। पापा जी कहते हैं बेशक मंदिर मस्जिद टा दे बुल्ले शाह, ये तुम्हें सलाम है, ये तो अरे भाई साहब, मैं इन म्यूजिशियन को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे भाई जोरदार तालियां हमारे सभी म्यूजिशियन के लिए, इनके बगैर हम अधूरे भाई। बेशक मंदिर मस्जिद टा दे बुल्ले शाह, ये कहंदा बेशक मंदर मस्जिद टादे बुल्ले शाह, ये कहंदा कभी ना तोड़ो इस दिल में रब रहता। मैं चंचल जी के उसमें आ नहीं पाया क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊं। आज मुझे मौका मिला है पापा जी के लिए। मैं नहीं बोलना चाह, नहीं बोलना जा, नहीं मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, तो मेरी बहनी बोलना, बहनी बोलना, तो मेरी बहनी बोलना, बहनी बोलना, पूछिए जिड़ा दे सावे गुलाम फरीद उते की वसना,
जिथे पापा जी नजर नहीं आवे। मैं नहीं बोलना, ओ मैं नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना। क्योंकि बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी, साईं राम, जय माता दी। तुम्हें और क्या दूं, मैंने अभी एक शादी में मुझे बुलाया था, ललित भाई वहां थे, ये भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाए, ओ हमारी उम्र लग जाए, ओ हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाए, ओ हमारी उम्र लग जाए, ओ हमारी उम्र लग जाए। ये बेटी पराई इसे घर है जाना, बेटी पराई इसे घर है जाना, ये बेटी पराई इसे घर है जाना, घर है जाना, ये बेटी पराई इसे घर है जाना, बेटी पराई इसे घर है जाना। सभी को है अपनी ये रस्में निभाना, सभी को है अपनी ये रस्में निभाना, ये बेटी पराई इसे घर है जाना, सभी को है रस्में सभी को निभाना। बेटी, मुझे कुछ याद आ गया, बेटी की विदाई होने वाली है। राजा हमारे भतीजे साहब, ललित भाई के भतीजे और ये हमारी बिटिया, कुछ बेटियों को लिए कहना चाहेंगे। हाँ जी, चांद दिलकश है लेकिन चांदनी अच्छी लगी, चांद दिलकश है लेकिन चांदनी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फूल झड़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी। और रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। क्या बात है, ये बेटी पराई इसे घर है जाना, बेटी पराई इसे घर है जाना, सभी को है लोगों ये रस्में, ललित भाई मेरे कहे को वो रब का कहा मान लेती है, मेरे कहे को वो रब का कहा मान लेती है, मेरी हर बात पर वो अपनी जान देती है, और कभी छन्नी भी पड़ोसी से नहीं मांगी, कभी छन्नी भी पड़ोसी से नहीं मांगी, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। हाय 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 हाय, एक मेरा शेर बड़ा मकबूल हुआ, मैंने 19 साल पहले जीतू भाई दिल्ली में गाया था, पश्चिम बिहार में, आज भी मुझे याद है। तो वो शादी का ही मौका था, साईं में साईं संध्या रखी थी शादी में, तो मैंने कहा था कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, मंजी भैया प्रकाश भाई, कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है ये दिल का जहान बेटी से, बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये बेटी पराई इसे घर है जाना, इसे घर है जाना। एक आखिरी शेर, एक
बड़ा नाजुक शेर, जरा हिफाजत कीजिएगा इसकी। जीतू भाई चार चीजें उंगली पे गिने कि तुम पे हम मरते नहीं, तुम पे हम मरते नहीं प्रकाश भाई, कि तुम पे हम मरते नहीं, मरते हैं हम उन चार पर, नाज पर, अंदाज पर, रफ्तार पर, गुफ्तार पर। कि एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वालों, जिंदगी मौत का उनवा भी तो हो सकती है, एक औरत जिसे दिल खोल के चाह जाए सिर्फ बीवी नहीं माँ भी तो हो सकती है। आए हाय ये बेटी बनाई इसे घर, सभी को है यारो ये रस्में निभाना, सभी को है यारो ये रस्में निभाना, खुदा तुझको हर एक बेटा, खुदा तुझको हर एक बला से बचाए, अरे तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको वाह जी वाह हमसर भाई। अभी कुछ बातें आपने कही जो याद रह जाएंगी, यादगार बन जाएंगी हमसर भाई। वाकई अब पता चला, हाँ जी हमसर भाई तवज्जो चाहूंगा, वाकई अब पता चला आप जो कहते हो ना, मैं हर फूल के सीने में धड़कता हूँ, मैं हर फूल के सीने में धड़कता हूँ, शायद इसलिए लोगों की नजरों में खटकता हूं। और एक बात और बता दूं कि जिस दिन किसी और पे बेदाद करोगे, जिस दिन किसी और पे बेदाद करोगे, ये याद रहे कि इन्हें बहुत याद करोगे। ये महफिल, ये नजारे, ये मां का नाम जो आप आज यहां से लेकर के जा रहे हैं, आपका सम्मान हमारे ललित जी कर रहे हैं। ललित जी, हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियां, खुद कांटों की राह पर चलती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, यदि खुरदुरा हो स्पर्श तो रोती हैं बेटियां। तो आज सभी अपने अपने आशीष अमृत से आप लावित कर रहे हैं बिटिया को। शशि शंकर जी वकील साहब, हमारे बड़े भाई, ये ऐसा मुझसे ललित जी कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है आज के इस आयोजन को। और तरुण सागर जी, हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, जानी मानी शख्सियत हमारे बीच पहुंचे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आज वो हस्तियां, वो शख्सियत हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं जिनका सिर्फ नाम सुन सुन कर लोग आदर सत्कार से शीश झुका देते हैं, जैसे कि परम आदरणीय श्री हरबंस लाल बंसी जी, उसी फहरिस्त में ये नाम आता है। मैं एक शख्सियत को बताना भूल गया, मेरी जान, मेरे पुराने साथी शंकर भाई, मैं चाहूंगा शंकर राज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे ये तो है, अरे ये तो बाबा, ये तो पुराने दिग्गज हैं। शंकर भाई से मेरा आपका ताल्लुक नहीं है, तकरीबन 26 साल पुराना। और मैं बंसी भाई, इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई तो मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोग्राम से आ रहा था, ये मुझे फर्स्ट टाइम मिले इंडिया गेट पे,
तो जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो कहने लगे हमसर भाई मुझे शंकर बैरागी कहते हैं। तो मैंने कहा हुजूर अपना नाम बैरागी ना करें, अनुरागी कर लें, क्योंकि अगर बैराग ले लोगे तो फिर आगे क्या होगा। तो उसके बाद इन्होंने अपने नाम में चेंजिंग करी और शंकर भाई से मेरा बहुत प्यार, भाई साहब से तो बड़ी जगह मुलाकात हुई है, गुस्ताखी की माफ़ी अगर किसी का नाम रह गया हो, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे मेरे बच्चे भी हैं जो मेरे सामने जवान हुए हैं सुन सुन के, तो मैं उनको भी दुआएं दूंगा, अल्लाह भगवान माता रानी तुम्हें और नाम दे और शोहरत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम सर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, शंकर अनुरागी बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे अनाउंसर हैं और मेरा और इनका बड़ा प्यार है। आइए नेक्स्ट अनाउंस करने के लिए मैं शंकर अनुरागी को माइक्रोफोन सौंप रहा हूं।